अरे चोली बूटेदार भौजी पहन ला होलिए में, भौजी पहन ला होलिए में, भौजी पहन ला होलिए में, लगावा लय बीरमलवा गुलाल डाले दरनवा चोलिए में। अरे बीए पास आइल बाड़ी कनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया, छुए ना चूल्हनिया हो, छुए ना चूल्हनिया। अरे सुतले में फोरे ले किरनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया। अरे साया साड़ी पहनी उल्टी पाला ना कर, अरे साया साड़ी पहनी उल्टी पाला ना कर, आ जहाँ कह रंग डाली बाकी हाला ना कर, आ जहाँ कह रंग डाली बाकी हाला ना कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यानंद स्वामी, आप सभी देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस से कदम प्रतिभाओं की खोज। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा था, राम और बैरागी जी जो जल्लापुर के निवासी थे। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब कुछ अगर अच्छा करना होता है तो पहले शुरुआत करनी होती है, और शुरुआत करने के साथ साथ अंत भी करना होता है, और अंत होते के बीच बीच में कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही घर में कुछ ऐसे हीरे पैदा करते हैं जो कहीं ना कहीं वो भी सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बाप की पगड़ी बेटे ने धारण कर ली, उसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र जी जो जल्लापुर से ही हैं और राम और बैरागी जी के पुत्र हैं। आइए हम इनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं, और ख़ास कर इनके गीत भी सुनेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम चाहेंगे तो थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। नमस्कार, प्रणाम भैया, हम गायक रविंद्र सोनू आप लोगों के सामने। बहुत सारा एल्बम यूट्यूब पे आ गिल बटे, जौन जाके यूट्यूब पे रविंद्र सोनू डालब, सर्च करब तो मिल जाए। हम चाहेंगे दर्शकों छोटा सा बात शुरुआत करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें भी होगी, गीत भी होगी, तो शायद दर्शकों को पहले गीत सुना, इसके बाद एगो हमारे एल्बम आई ले है। अरे गवन के पहले तू अलू हो, अथावे जाए खाती जिद कहलू हो, किशोरी कैलू टोला में, हमर धनिया हो भूलै जेबू मेला में, मोर धनिया हो भूलै जेबू मेला में, मोर धनिया हो भूलै जेबू मेला में। आपके पिता भी गायक थे और आप भी से गीत लाइन में चले आए हैं, कैसे आपका विचार बिना कि पिताजी भी गीत गाते हैं और आप भी? वो क्या है ना कि देखते देखते होता है कि हम मन में हो जाता है कि हम भी पापा जैसे थोड़ा गाएंगे जी। ऐसे ही देखते देखते पापा जी को, पापा जी भी स्कूल में भी क्या होता था, कोई प्रोग्राम होता था तो देखते थे कि नहीं अच्छा गा रहा है, तो पापा जी भी थोड़ा इस लाइन में ढकेलने के लिए कोशिश करने लगे कि हाँ। अगर मेरे बेटे का मेरा नाम अगर सम्मान नाम शोहरत हुआ है इस गीत के बारे में तो मेरा बेटा भी वो काम हाँ, करे। चलिए और भी हम दोस्तों को और सी बातें करेंगे, तो सुनिए छोटी सी और गीत हो जाए। एक हमारा बोलबम का सॉन्ग आया था अभी हाल ही में आया था, वो आप लोग को सुनाते हैं। अरे सामन में बरसे पानी, चूहेला टूट ही पलानी, आरवा कैली ऐसन गलती, पत्थर पे भी जहतानी, ए भोला छोड़ी के महल रहेला काहे मड़ैया में, हम पीसिल भांग तो होला दर्द कलैया में, सावन में बरसे पानी, सावन में बरसे पानी जी जी, ए भोला काहे रहेला मड़ैया। देखिए आपने मड़ई की बात की, क्या लगता है कि भगवान भोलेनाथ जो की मड़ई में रहते होंगे? वो होता है ना कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जैसे होता है ना कि जो अपना घर जैसे होता है कि जो दूसरों का घर बनाता है वो अपना घर खुद नहीं बना पाता है, वैसे ही आदिदेव महादेव हैं जो दुनिया को चलाते हैं, वो उनका खुद घर नहीं है, वो छप्पर मड़ई छान के रहते हैं। अच्छा, चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को पता ही होगा कि कहाँ रहते हैं,
अच्छा ये बताइए कि आपने जब शुरुआत किया था तो आपकी माइंड में विचार आया कि मेरे पिताजी करते थे, देखते थे, अब आगे आपका क्या सोच है कि मुझे इस गायकी क्षेत्र में रहना है और आगे कुछ करना है? आगे तो यही, जब शुरू से ही जब इस लाइन में लगे हैं तो आगे भी इसी लाइन में लगे रहेंगे, प्रयास रहेगा बरसक कि इसी लाइन में लगे रहें। आपका यूट्यूब चैनल पे गीत है? जी हाँ। किस माध्यम से, कैसे अगर सर्च किया जाए तो पता चलेगा? आप लोग रविंद्र सोनू डालेंगे होली सॉन्ग या नवरात्र सॉन्ग, छठ सॉन्ग जो भी डालेंगे वो आ जाएगा। जैसे आपने कहा होली सॉन्ग, और आज होली का मौसम भी धीरे चल रहा है, जी जी, तो हम चाहेंगे दर्शकों को छोटी सी होली। अरे चोली बूटेदार भौजी पहन लो होली में, भौजी पहन लो होली में, भौजी पहन लो होली में, लगवा लो अबीर मलवा लो गुलाल डाले दरनवा चोली में। अरे चोली बूटेदार भौजी पहन लो होली में, भौजी पहन लो होली में, भौजी पहन लो होली में, लगवा लो अबीर मलवा लो गुलाल डाले दरनवा चोली में। लगवाला गुलाल, अब तो होली आई गई बा जी, और आप सभी लोग जो होली का सभी लोग जश्न मनाएंगे। ये बताइए भैया रविंद्र जी कि आप संगीत क्षेत्र से क्या पढ़ाई भी करते हैं या बस? नहीं नहीं, संगीत क्षेत्र से तो पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन संगीत क्षेत्र में बचपन से ही लगे रह गए हैं। हाँ, प्रैक्टिकल ज़रूरी है, थ्योरी तो होना न रहे तभी चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ज़रूरी, और प्रैक्टिकल में आप जाते हैं जी। यानी कोई भी और भी गीत हो मदरसों के लिए जो ट्रेंडिंग चल रही हो, आपकी आने वाली हो या आ रही हो? हाँ, एक और भोजपुरी है हमारा गीत जो चल रहा है इस टाइम। अरे बीए पास आइल बाड़ी कनिया हो, आप लोग को यो भी यूट्यूब पे मिल जाए। अरे बीए पास आइल बाड़ी कनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया, छुए ना चूल्हनिया हो, छुए ना चूल्हनिया, अरे सुतले में फोरेले किरनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया, बीए पास आइल बाड़ी कनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया, अरे कोई के समहर एक दिन गईली चूल्हानी, आ दलिया में मिलाई दिहली भर पूरा पानी, अरे नमक बिना पीसली चटनिया हो, अरे नमक बिना पीसली चटनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया, नमक बिना पीसली चटनिया हो, कबहू छुए ना चूल्हनिया। दोस्तों, आजकल का जो समय चल रहा है आप सभी को पता है कि अगर आपसे संपर्क करना चाहें और आपका आपसे कोई कहते हैं ना सट्टा बयाना, भोजपुरी में बोलते हैं उसको, तो कैसे? वो कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो भी कॉन्टेक्ट करना चाहें। वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7398115566, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम लग जाएगा ये कॉन्टेक्ट नंबर। अब विदा होते हैं बाद समय, अब हम चाहेंगे दर्शकों की छोटी सी गीत सुनाएं, इसके बाद फिर हम आपसे विदा होना चाहेंगे। अरे माही माई कही के बोलावतानी, अरे माई नाही आवो ताड़ी हो, अरे माही माई कही के बोलावतानी, हमाई नाही आवो ताड़ी हो, कि भइल नन्हा कासे, अरे कवने कसुरवा कि माई नाही आवो ताड़ी हो, कि भइल नन्हा कासे, अरे कवने कसुरवा कि माई नाही आवो ताड़ी हो। दोस्तों, उम्मीद है कि इनकी गीत आपको पसंद आई होगी, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आपके भी नज़र में कोई ऐसी प्रतिभा दिखती हो तो कृपया हमें फ़ोन करें। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।